इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात की सभी को जानकारी दी थी कि वो किस तरह से लोगों के बीच अपने प्यार के रिश्ते को छुपा रही थी। पहली बार जब उनकी मुलाकात अपने हस्बैंड सैफ अली खान से हुई थी, यानी कि अपने लवर से हुई थी, तो घर पर डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज उन्होंने की थी और ये पर्सनल प्राइवेट पार्टी थी एक दूसरे के लिए। इसके बाद 30 दिनों तक ये दोनों साथ रहे, कभी भी उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाए। दोनों प्यार करने लगे, पहले ही दिन एक दूसरे को प्यार का इजहार किया और फिर सैफ अली खान अमृता के साथ ही उस अपार्टमेंट को शेयर करते थे जहां अमृता सिंह रहा करती थी। ये दोनों एक दूसरे के बिना फिर नहीं रह पा रहे थे, जिसके कारण इन्होंने एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन को रिश्ते को 3 महीने तक डेट एंजॉय करने के बाद ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए गुपचुप सडनली 2 दिन पहले प्लान किया और गुपचुप शादी कर ली थी। उम्र में सैफ अली खान से 9 साल बड़ी थी अमृता सिंह, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस रिश्ते में होते, लेकिन हाँ, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। सैफ अली खान का बिंदास होकर कॉन्फिडेंस के साथ अमृता से प्यार का इजहार करना और अमृता सिंह का प्रोफेशनल रवैया, उनके टैलेंट, उनके चार्म पर फिदा थे सैफ अली खान। तो 30 दिनों तक लगातार जब ये घर पर रहे एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों अलग अलग बेडरूम में रहा करते थे, ये अलग अलग बेड शेयर किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आए थे, लेकिन हाँ, इन दोनों को एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करने में मज़ा आ रहा था, जिसके कारण सैफ के बिना अमृता नहीं रह पा रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।